नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। आज पुनः बालवाटिका का रजिस्टर वर्क आप लोगों के लिए, और ये है चतुर्थ सप्ताह कैलेंडर गतिविधियों का। दिनांक 29/6/2022 दिन बुधवार, और दिनांक 30/6/2022 दिन बृहस्पतिवार का। पूरा स्कूल रेडनेस के अंतर्गत जो बाल वाटिका का संचालन हो रहा है, उनकी गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के पश्चात रजिस्टर वर्क कैसे किया जाएगा, उसी पे ये वीडियो आधारित है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है और किस तरह से हम अपने रजिस्टर में गतिविधियों का अंकन करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल रेडिनेस बाल वाटिका कैलेंडर गतिविधि सप्ताह संख्या 4 रजिस्टर वर्क। दिनांक 29/6/2022 दिन बुधवार, और दिनांक 30/6/2022 दिन बृहस्पतिवार। तो ये दो दिवस का कार्य पूरा आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले 29 तारीख दिन बुधवार का कार्य देख लेते हैं। कॉलम्स की ओर आते हैं, दिन और दिनांक। इसमें पहला कॉलम है बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ व कक्षा 1 के बच्चों को कराई जाने वाली गतिविधि। इसके बाद दूसरा कॉलम है कराई जाने वाली गतिविधि का विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या और गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। अब आते हैं गतिविधियों की ओर। सर्वप्रथम मॉर्निंग सर्कल। तो 29 तारीख को बुधवार के दिन मॉर्निंग सर्कल में व्यायाम कराया गया बच्चों से। मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों ने योग और व्यायाम किया। स्वतंत्र खेल, इसमें गोदा गादी किया बच्चों ने। स्वतंत्र खेल के रूप में बच्चों ने ग्रीन पट्टी पर गोदा गादी की और आकृतियों का निर्माण किया। भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें हवा में पीठ पर या मिट्टी में अक्षरों का निर्माण करना था। अक्षर थे क और र। तो ये गतिविधियाँ आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार तरीके से बच्चों ने सीखा। बच्चों ने हवा में पीठ पर क और र अक्षरों का निर्माण किया, और एक बच्चों की एक्सरसाइज भी हो गई और लेखन का अभ्यास भी हुआ। उसके बाद कला संबंधी गतिविधि, आकृतियों में रंग भरना। कला संबंधी गतिविधि ने बच्चों ने उनको आकृतियां हमने बना के दी थी, उसमें उन्होंने अपने मनपसंद रंग भरे। गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच, इसके अंतर्गत कम और अधिक की अवधारणा। क्लासरूम में कक्षा कक्ष में उपलब्ध सामग्रियों की सहायता से बच्चों में कम और अधिक की अवधारणा को समझाया गया। उनके शारीरिक अंगों के माध्यम से भी इस गतिविधि को भी कराया गया। बाहरी खेल, टायर का खेल, ये सबसे पसंदीदा कार्य रहा आज के पूरे शिक्षण में। बच्चों को टायर का खेल खिलाया गया, और टायर के खेल से बच्चे ग्रामीण परिवेश में बहुत भलीभांति परिचित हैं। तो टायर की दौड़ कराई गई दो बच्चों के बीच में। टायर दौड़ाते हुए एक निश्चित दूरी तय करनी थी, फिर वापस आना था। अब आते हैं गुड बाय सर्कल की ओर। दिन भर की गतिविधियों पर बातचीत बच्चों से की गई। तो ये है पूरा कार्य।
अब आते हैं 30/6/2022 दिन बृहस्पतिवार के कार्य को। कॉलम पूर्ववर्ती रहेंगे जैसे पहले थे, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम, और उसमें इस तरह से अंकन कर दिया जाएगा। अब आते हैं गतिविधियों की ओर। मॉर्निंग सर्कल में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई। मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई, उसके साथ ही एक रोचक गतिविधि भी कराई गई। ये सारी गतिविधियाँ पुनः एक बार अनुरोध करेंगे आप सबसे कि मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। स्वतंत्र खेल, किताबों की उलट पलट, बच्चे प्रारंभिक स्तर में हैं तो किताबों से उनका जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कराया गया कि उनको कौन से रंग की किताब पसंद है, उसमें कौन से चित्र पसंद हैं, इसको बच्चों ने देखा, उलट पलट की, उसकी जांच की है। उसके बाद है भाषा और साक्षरता का अवसर। हवा में अक्षर का निर्माण और अक्षर रहे न और माँ, बच्चों ने हवा में न और माँ अक्षर बनाए। कला संबंधी गतिविधि, चिपककार, कागज़ के छोटे टुकड़ों को चिपकाकर कलाकारी की गई। बहुत ही सुंदर चित्र बच्चों ने बनाए और उसमें रंगीन कागज़ से उसको सजाया। गणित EPS वैज्ञानिक सोच, 1 से 5 संख्या का मिलान, दो वस्तुओं के साथ संख्या का बच्चों ने मिलान किया कि कौन सी संख्या 3 है तो 3 में कितनी चीज़ें होंगी। बहुत ही रोचक रहा ये भी। बाहरी खेल, घोड़ा जमाल खाई। बाहरी खेल के रूप में घोड़ा जमाल खाई बच्चों ने खेला और इस खेल से भी बच्चे लगभग परिचित ही हो गए हैं। गुडबाय सर्कल टाइम में दिन भर की गतिविधियों पे बातचीत की गई। आगे की कॉलम प्रतिभागी बच्चों की संख्या, यहाँ पे उनका अंकन करेंगे आप, और गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। तो ये है पूरा हमारा 2 दिवस का कार्य, 29 जून और 30 जून। आशा है मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य में। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।